अभी भी वहीं जाना है सिम्बा? हाँ, मुझे जानना है मेरे माता पिता कहाँ से थे। वो मेरी जन्मभूमि है। पर तब हम मिल नहीं पाएंगे। तुम वहाँ आ सकते हो। नहीं, मैं नहीं। कैसे हो दोस्तों? हाँ? तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो? हम तैयारी कर रहे हैं, याद नहीं? हम हमारी सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं। हाँ, पर तुम दोनों को अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम दोनों यहाँ से जाना चाहते हो? नहीं, बक्शोट वहाँ नहीं आना चाहता। क्यों नहीं? तुम्हें जाना चाहिए। मैं वो जंगल देखना चाहता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो तुम दोनों हमको छोड़ दोगे? अभी नहीं, अभी तो हमें और ताकतवर बनना है। और थोड़ा बड़ा भी। सही कहा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? खबर दे रही हूँ। क्या हुआ, घर पे सब ठीक तो है? हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये खबर तुम्हारे लिए नहीं है। तो किसके लिए है? अगस्त्या, ये खबर ईगल किंग ने भेजी है। मैं उनकी खबरी हूँ कई सालों से। तो जो पहाड़ के ऊपर उड़ रहे थे वो ईगल किंग थे? वाह, मैं भी उनसे बात करूँगा। चलो, जरूर दौड़ लगाए। बिल्कुल। बक्शोट, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जा
जाओ बक्शोट जाओ। चलो दूसरी तरफ कूदते हैं। नहीं सिम्बा वो बहुत दूर है। चलो बक्शॉट मजा आएगा। ये कोई खेल नहीं है पागलपन है ये। तुम ये नहीं कर पाओगे सिम्बा नहीं। सिम्बा मैं ठीक हूँ। मैं गिरने वाला हूँ। नहीं रुको सिम्बा तुम कर सकते हो। रुको सिम्बा सिम्बा नहीं सिम्बा सिम्बा तुम क्यों कूद गए। तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम यहाँ हो? बक्शॉट, बक्शॉट मैं ठीक हूँ। क्या तुम भूत हो? नहीं मैं ही हूँ। मैं गिरा ही नहीं। मुझे लगा तुम चले गए। नहीं मुझे लगा तुम पानी में गिर गए सिम्बा। नहीं मुझे ईगल किंग ने बचा लिया। पर तुम बच गए हैं? शुक्रिया मेरे दोस्त को बचाने के लिए। मेरा नाम सिम्बा है और ये मेरा जिगरी दोस्त बक्शॉट। तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग गुम हो गए हो? हम सवाना ढूंढ रहे थे। सच में? हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं ताकतवर बनने के लिए जिससे हम अपने घर जा सके। क्या आप कभी सवाना या हरे जंगल में गए हो? हाँ वो जंगल वहीं पर है। राजा बनने से पहले मैंने काफी वक्त वहीं गुजारा था। बहुत ही खूबसूरत जंगल है देखने लायक है। मुझे भी देखना है। पर क्या आपने अभी अभी सवाना देखा है? मेरी जैसी आँखों से तुम सब कुछ देख सकते हो। वाह तो क्या आप मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता बता सकते है? मेरे पास एक और तरीका है। हम तुम्हें दूर दूर तक दिखाएंगे घबराओ मत। वो कौन है? वो मेरा खास दोस्त है डरो मत। अब हम सिर्फ हवा के रास्ते से ही जा सकते हैं। तो सिम्बा तुम मेरे साथ आओ और बक्शॉट तुम उनके साथ जाओ। तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। इतना अच्छा है ना।
सिम्बा तुम्हारे नीचे सवाना है, जहाँ तुम्हारे पिताजी राज किया करते थे। तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे राजा थे। उन्होंने सवाना क्यों छोड़ दिया और जंगल क्यों आ गए, क्या आपको कुछ पता है? उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी और उनके राज में इस जगह ने बहुत तरक्की की। कोशिश करो सिम्बा। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हुजूर। हमें यहाँ पर शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे प्यास लगी है। सही मौका है, वो चली गई। चलो जाओ। वहां ले चलो। सब ठीक हो जाएगा, मैं मदद लेके आता हूँ। नहीं, बहुत देर हो गई है, आप बच्चों का ख्याल रखिए। तुम्हारे पिताजी ने सवाना सिर्फ शेर खान के पीछे आने के लिए छोड़ा। मुझे पता था शेर खान ने पिताजी को धोखा दिया था। अब सब ठीक है सिम्बा, शेर खान अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे नहीं पता था मेरी माँ इस तरह मारी थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। सिम्बा क्या मसला है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या चोट लगी है? क्या ये संदेश मेरे लिए है? हाँ, अगस्त्या की तरफ से। लो, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ ये लो, ये सिम्बा और बक्शॉट के लिए है।
क्या इसमें लिखा है कि सिम्बा और बकशॉट को जादुई गोले ने चुना है, एक सवाना का राजा बनेगा और दूसरा हरे भरे जंगल पर राज करेगा। जादुई गोला, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तो क्या आप ही जादुई गोले के बारे में जानते हैं? बिल्कुल। सुनो दोस्त, सवाना के जंगल के होने वाले राजा को सलाम करो, आदर करो। पर अभी हम बहुत छोटे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईगल भी सलाम करेंगे। हमारी दुनिया तुम्हारा ही राज्य है, जैसा कि तुम्हारे माता पिता के समय पर था। मैं और मेरा दोस्त आपकी सेवा में रहेंगे। अब हम आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ आपका जन्म हुआ था। शेर खान को उसके किए की सजा दिए बगैर मैं जंगल नहीं छोड़ूंगा। वैसे वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो भी राजा बनना चाहता था। अगर हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताएं। सच में? भरोसा करें? हाँ, हम आपकी कोई भी सेवा कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। क्या बात है। हमें अब वापस घर चले जाना चाहिए। ठीक है, हम ले चलते हैं, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं, हम भाग कर जाना पसंद करेंगे। हाँ, वैसे भी हमें कसरत की जरूरत है। शुक्रिया महाराज। ये लोग अच्छे राजा बनेंगे। अलविदा मेरे दोस्तों, संभल कर। क्या तुम्हें लगता है सिम्बा और बकशॉट ईगल के साथ चले गए? ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। हाँ, उन्होंने अलविदा भी नहीं कहा। मैं जानती थी वो हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। पर उनके बिना मजा भी तो नहीं आता। चुप हो जाओ। हे, क्या हो गया है? सिम्बा और बकशॉट चले गए। क्या मतलब है? वो दूसरे राज्य में चले गए। नहीं, वो ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या पता वो हमें सच में छोड़ के चले जाएं। तुम लोग आ गए मेरे बच्चों। सवाना, सिम्बा, सिम्बा, सब ठीक है सिम्बा, घबराओ मत। तुम एक बस बुरा सपना देख रहे थे। मैं सवाना के ऊपर से उड़ रहा था और मैं गिर गया। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सवाना दिखाऊं ताकि तुम वहाँ खुद जा सको। सच में बगीरा? हाँ, और मुझे एक छोटा रास्ता भी पता है, चलो। और बकशॉट का क्या? उसे सोने दो, वो सवाना नहीं जाने वाला। पर हम तो साथ में अभ्यास करते हैं। लेकिन आज तुम्हें अकेले ही जाना है। सिम्बा, आ जाओ। चलो सिम्बा, ऊपर चढ़ो, हम बस पहुंचने वाले हैं। बगीरा, आप क्या कर रहे हैं? क्या सोचो कि मैं शेर खान हूँ सिम्बा? आ जाओ, आ जाओ। तुमने अच्छी कोशिश की सिम्बा, चलो चलें। तेज,
चलो अलसी बच्चे, समय हो गया है। सिम्बा तो चला भी गया बघीरा के साथ अभ्यास करने। चलो आओ, आज मैं तुम्हें आत्मरक्षा सिखाऊंगा। वो पेड़ देख रहे हो, समझो कि वो शेर खान है या फिर शिकारी, ठीक है? अब तुम कोशिश करो इसे गिराने की। नहीं बकशॉट, तुमको और ताकत लगानी पड़ेगी, फिर कोशिश करो। ऐसे ही, बहुत अच्छे। इस बार ऐसे करो कि दुश्मन तुम्हारे सामने है। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ बकशॉट। चलो कूदो सिम्बा, तुम कर सकते हो। सवा ना जाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा सिम्बा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? तुम्हें आगे ऐसी कई तकलीफों का सामना करना पड़ेगा एक राजा बनने के लिए, और मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा सोचो कि शेर खान उस तरफ है। कर लिया। ये बहुत बढ़िया। मैंने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। बघीरा, आपने मुझे छोटा वाला रास्ता तो दिखाया ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। पर हमारा साम्राज्य कैसे मिलेगा? उसे पाने के लिए तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। हाँ समझ गया। हाँ मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं ही नहीं। कमाल का नजारा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? अगस्ता ने मुझे कहा था कि ज्यादा थकावट की वजह से तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिख सकती हैं। शायद ठीक ही कहा था उसने। मुझे आराम करना चाहिए आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। मुझे लगता है हम उनके पीछे जा रहे थे हुजूर। चुप रहो तवाकी, तुम मेरा ध्यान बटा रहे हो। तुम्हें लगता है कि हम उनके आगे जा पाएंगे एलेक्स? हाँ बिल्कुल, हमें ये हर हाल में करना होगा। अगर हम सुबह का इंतजार करेंगे तो हो सकता है वो भाग जाए हुजूर। अभी वो थके हुए होंगे, लड़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? तुम मुझे परेशान कर रहे हो तवाकी, हम कल तक रुकेंगे। पर हुजूर ये समय हमला करने के लिए अच्छा है, देखिए ना। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि उन्होंने कोई जाल बिछाया है। क्या हम कभी गलत हुए? नहीं हुजूर, आप तो हो ही नहीं सकते गलत। मैं यहीं पर हूँ, शांत रहने की कोशिश करो। हमें कोशिश करनी है कि इन सबको अभी ना उठाएं। हमारे दोस्तों को आराम की बहुत जरूरत है। मैंने सोने की कोशिश की पर शोर बहुत है।
वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस गुफा में हैं और तुम यहाँ कैसे पहुँची? हमने चुपके से शेरखान का पीछा किया और यहाँ तक आ गए। वो और तबाकी बाहर चक्कर लगा रहे हैं। मैं जानता हूँ वो हमारा पीछा कर रहे हैं। वो किस लिए रुके हैं? उन्हें किसका इंतजार है? मुझे नहीं पता, पर मेरे पास एक योजना है। मतलब तुम्हें वहाँ जाना है? सही कहा, पर वो ये नहीं जानते कि मैंने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। बहुत खूब सिम्बा, अब तुम खतरे से बाहर हो। कम से कम हम शेर खान की पहुंच से बाहर होंगे। तुम बहुत अच्छे हो सिम्बा। अपने दोस्तों को घर सुरक्षित पहुंचाओगे। बहुत बढ़िया सिम्बा। देखते हैं, मुझे नहीं पता दूसरी और क्या है। मुझे वो जगह बहुत अजीब लगी। तुम जाकर देखती क्यों नहीं? मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है। देखा तुमने? थोड़ा डरावना है। हाँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घाटी आज की नहीं किसी और समय की है। जाओ दोस्तों, जाने का समय हो गया। उठ जाओ। माफ करना दोस्तों, उठ जाओ। तो सब लोग तैयार है? चलो चलते हैं। मैं जाकर उस शेर खान को सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे एक बार सबक सिखाया था और फिर सिखाऊंगा उसे। याद है ना सैम की गेंद कैसे लाया था मैं? हाँ, मुझे याद है। उसे गेंद की वजह से बहुत परेशानी होती है। तुम बस जलते हो बकशॉट, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं है। चुप रहो, मुझे कोई बहस नहीं करनी आज। एलेक्स सही है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है। क्या हम बात करना बंद करेंगे और दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ेंगे जो सिम्बा ने खोजा है? क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है? हाँ, पर मुझे पता नहीं है कि वो सुरक्षित है कि नहीं। सही कहा। चलो चलते हैं, सब लोग साथ में ही रहना। अगस्त्य हमें राह दिखाएगा। क्या हो रहा है ये? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें आगे जाकर देखना होगा कि आवाजें कहां से आ रही हैं। चलो भी, डरो मत। नहीं, तुम जाओ। तुम दोनों यहाँ आओ। ये ज्वालामुखी की चट्टानें हैं। और हमारे पास उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। मुझे नहीं पता किस तरह के जीव यहाँ रहते हैं। वो देखो, वो ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। अरे, ये तो असली डायनासोर है। वो क्या है? वो ट्राइसेराटॉप्स हैं। Thank you.
हमें आज कुछ भी करके ये घाटी पार करनी होगी। फिलहाल तो हम ठीक हैं, लेकिन खतरा नजर आते ही मैं शाही पोशाक निकालूंगा और सबको छुपा लूंगा। सही कहा, मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल गया था। अगर मुझे मेरी गेंद नहीं खोनी पड़ेगी तो ही जाऊंगा। मैं चलने के लिए बहुत थक गया हूँ। मुझे तुम्हारी शाही पोशाक कहीं दिखने दी सिम्बा। कहीं तुमने उसको खो तो नहीं दिया है? मैं देख रहा हूँ तुम सब उत्साह में एक जरूरी चीज भूल गए हो। हमें हर हाल में अपने राजा का साथ देना है। तुम सब मुझ पर भरोसा रखो और ऐसा कभी मत सोचना कि शाही पोशाक मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास ही है। क्या पता आगे कुछ शहद खाने को मिल जाए। बलू, क्या एक दिन के लिए तुम खाना भूल नहीं सकते? वहाँ पर देखो, वहाँ घाटी से होकर एक रास्ता है, क्या तुम देख सकते हो? देखो। पर हमें नहीं दिख रहा कि ये रास्ता जाता कहाँ है। जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलो चलते हैं। चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। तुम दोनों के लिए ये बड़ा आसान है। हमने ये कमाया है। ध्यान रखना, डायनासोर हो सकते हैं। वक्त आ गया है, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। तबाकी, सबको बुलाओ, उठो आलसियों। उठ जाओ निकम्मे कहीं के। हंस क्यों रहे हो? मैं अपने सपने को याद कर रहा हूँ जिसको आपने तोड़ दिया बीच में। सच में? चलो सुनाओ। बहुत ही बढ़िया था, मैं एकदम अकेला था घाटी के किनारे पर। मैं सिम्बा और उसके दोस्तों से अकेले लड़ रहा था। मैं अकेला था लेकिन वो लोग मुझे हरा नहीं पा रहे थे। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सिम्बा मेरे सामने कांप रहा था और अपना सिंहासन कह रहा था, आप ले लीजिए तबाकी जी, आप ही हमारे राजा हैं। और वो सिंहासन तुम मुझे दे दोगे? हंसना बंद करो, मैंने तुम्हें आदेश दिया है, समझे तुम? अब जाओ, सबको इकट्ठा करो। मैं सिम्बा को वो चेहरा देखना चाहता हूँ जो वो सिंहासन मेरे हाल। मैं चाहता हूँ कि सिम्बा को कोई गुफा से बाहर निकाले। मुझे नहीं लगता कोई जाएगा हुजूर। सब मुझे ही करना पड़ता है बेवकूफ। आपकी योजना क्या है हुजूर? तुम उनको मेरे पंजों में लाकर छोड़ोगे। मैं और पंजों में? शांत हो जाओ, अंदर जाओ और जो मैंने कहा वो करो। जी जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। वो सब सो रहे होंगे, डरने की क्या बात है। अरे अरे, ये तो काफी गहरी है गुफा। जाओ। यहाँ कोई नहीं हुजूर, चलिए हम लोग बाहर निकलते हैं। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी भी उन्हें सूंघ सकता हूँ। क्या हम लोग उनके बाहर आने का इंतजार नहीं कर सकते हुजूर? अगर हर पत्थर के नीचे ढूंढना पड़े तो भी मैं सिम्बा को ढूंढ कर रहूंगा। तुम उधर जाकर ढूंढो और कुछ भी दिखाई दे तो मुझे फौरन इत्तला करो। क्या करूं? मुझे पसंद नहीं है। वहाँ पर मुझे एक रास्ता दिखाई दिया हुजूर। तबाकी, आज से अगर तुम्हारी कोई आवाज निकली तो तुम्हारा गला घोट दूंगा। ये जगह कुछ अजीब है। इतनी सारी वनस्पतियों में हमें ढूंढना मुश्किल होगा। फिर भी हमें सतर्क रहना होगा, आसपास खतरा हो सकता है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि कोई खतरा ना मिले हमें। कम से कम ऐसा लगता तो है कि किसी को हमारा निशान नहीं मिला है पीछा करने के लिए। ओहो, जल्दी दोस्तों, मेरी शाही पोशाक के अंदर आ जाओ। आज के समय में भी ये मौजूद हैं। मुझे लग रहा था कि किससे कहानियां हैं, पर ये तो सच है। देखिए हुजूर। हाँ देख रहा हूँ। वो,
भालू कितने बड़े हैं, आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये भी हो सकता है उन्होंने सिम्बा का शिकार कर लिया हो। यार उपरा खतरे से खाली नहीं हूँ। सही कह रहे हो, चलो। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मैं निकल लिया। मैं भी। आप मुझ पर हंस रहे हैं हुजूर, ये सही नहीं है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बस अपने बारे में बड़बड़ा सोच रहा था, जाते बची हुजूर। अच्छा बंद करो बकवास, वरना मैं तुम्हें वहाँ फेंक दूंगा जहाँ वो राक्षस लड़ रहे हैं। नहीं हुजूर, इससे तो अच्छा है कि मैं इस जगह को ही भूल जाऊँ। अब हम आगे क्या करें हुजूर? हम उस घाटी की ओर जाएंगे और वहाँ रुकेंगे। अगर सिम्बा और उसके दोस्त जिंदा बच के आ भी गए तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। क्या आपको सच में लगता है वहाँ कोई बच्चा भी होगा? इतने बड़े राक्षस तो सब कुछ खा चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। और ऐसा क्यों हुजूर? सिम्बा मेरा शिकार है, उसे खत्म करने का सुख मैं लेना चाहता हूँ। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो हम घर जल्दी ही पहुँच जाएंगे। हम किस्मत वाले हैं कि सिम्बा के पास शाही पोशाक है। और भी ज्यादा खुश नसीब है क्योंकि सिम्बा हमारे साथ है। और बेशक हम सब साथ मिलकर अपने राजा का साथ दे रहे हैं। खुश तब होता जब जंगल पहुँच जाते। किसे पता घर कितनी दूर है, शायद हमें रात यहीं गुजारनी पड़े। अगर ऐसा है तो हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। अगस्त से ठीक कह रहा है, अगर हम सब साथ रहेंगे तो इस मुसीबत को पार कर लेंगे। अगर थोड़ा शहद मिल जाए तो मजा आ जाए। हमें जल्द ही कोई ठिकाना ढूंढना होगा, बारिश बहुत तेज हो रही है। हम सब बहुत थक चुके हैं। ये मौसम बहुत भयानक है। बारिश रुक जाए तो अच्छा होगा। सब चुप जाओ, यह डायनासोर है। बदमाशों की वजह से मेरी गेंद बार-बार खोई है। चलो वो कम से कम हमारे पीछे तो नहीं आए। कोई तो जगह होगी जो हमें इस बारिश से बचा सके। और आराम भी मिलना चाहिए। वहाँ पर देखो, उस गुफा से रोशनी आ रही है, तुमने देखा उस चट्टान के नीचे? तुम्हें क्या लगता है? देखते हैं। चलो फिर चलते हैं। ये क्या है? ये लावा के बड़े गड्ढे जैसा लगता है। इसका मतलब हम ज्वालामुखी के अंदर हैं। ये तो मुझे पूरा पकाने के लिए काफी है। रहना साहब। अरे मोटू, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे और सिलवटें भी खत्म हो जाएंगी। अच्छी तरकीब है, हम एकदम से गर्म हो जाएंगे और लंबी नींद लेंगे फिर। आ, 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 आ। मुझे लगता है कि हमें बारी बारी लावा पर नजर रखनी चाहिए, कहीं वो बाहर ना आ जाए। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हा? जब तक बारिश हो रही मैं तो यही रहूंगा, यहाँ सूखा है। मुझे सबको इस घाटी से सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, मैं कुछ गलत नहीं होने दे सकता। कम से कम हमें जगह तो मिली जहाँ हम चैन से सो सकते हैं। तुम्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए सिम्बा। अगर तुम मेरी जगह ले लो बगीरा तो मैं जाकर सो जाता हूँ। बेशक। Oh.
सब लोग उठ जाओ जल्दी से, उठ जाओ सब, कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पर। हाँ, अरे नहीं, मुझे लगता है भूकंप आ रहा है। एक बड़ा शैतान। क्या कोई शैतान है? वो हमें डरा के यहाँ से भगाना चाहता होगा, नहीं तो वो हमला कर देता। हाँ, देखो मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। पागल है, डर रहा है फिर भी आगे जा रहा है। हाँ सही कहा मोटो। ये तो शैतान है, देखो हमें कुछ मत करना, हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। माँ, कितना अजीब जानवर है। तू हट जाओ, मुझे परेशान मत करो, हट जाओ मेरे पास से, छोड़ो भी। क्या कर रहे हो? नहीं, अरे तुम लोग वहाँ खड़े क्यों हो, मेरी मदद करो ना। देखो ये क्या कर रहा है मेरे साथ। मुझे लगता है इस छोटे डायनासोर ने बलू को गोद ले लिया है, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। अच्छे डायनासोर, प्यारे डायनासोर, बस करो अब, छोड़ दो मुझे। शायद वक्त आ गया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। छोड़ दो बच्चे, जान बची तो लाखों पाए। ऐसी मुसीबत फिर से ना आए कभी। अगस्त्य, तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम सीधा आगे जा रहे हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, और अपनी जिंदगी में भी यही करना चाहिए। सही कहा। अलविदा माँ। बस भी करो। ओ, 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 एक मधुमक्खी, वो अपने छत्ते की तरफ जा रही है। ये सही समय है शहद खाने का, उन्हें मैं बाद में मिल लूंगा। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ, गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा ही लिया था। ऐसा लगता है बल्लू फिर से मुसीबत में है। जरूर शहद खाने गया होगा। और वो मधुमक्खियाँ उसके पीछे पड़ गई हैं, वो कभी नहीं सुधरेगा। बल्लू अक्सर ही ऐसी मुसीबतों में फंसता रहता है। काओ, क्या तुम देख सकते हो वो कहाँ है? मैं कोशिश करता हूँ। वो पास में ही झील के अंदर है, गुस्सैल मधुमक्खियों ने उसे घेर रखा है। अच्छा है मधुमक्खियाँ तैर नहीं सकती, वरना इसकी मुसीबत बढ़ जाती। क्या हमें जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पहले ही बहुत ज्यादा थक चुके हैं। पर हम उसे यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकते, खास कर जब वहाँ पर मांसाहारी पेड़ हैं। मुझे लगता है उन्होंने हार मान ली है, अब मैं अपने दोस्तों के पास जा सकता हूँ। कितना प्यारा है, और इसकी खुशबू तो एकदम शहद की जैसी है। तुम तो मधुमक्खियों की तरह बुरे हो। नहीं नहीं, माफ कर दो, फिर से नहीं, भागो। आ,
नहीं। अरे नहीं, मुझे लगता है बलू सच में मुसीबत में है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, बकशॉट, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा बलू को बचाने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है बलू, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बचो। लगता है वो पीछे हट रहे हैं। ओ नहीं, मुझे पता था कि उन्हें सबक मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक असली डायनासोर से लड़ूंगा। तुम ये कह सकते हो। तुम ठीक हो माँ? रुक जाओ और चाटना बंद करो मुझे। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे बचाने के लिए आए। तुम बहुत बहुत बहादुर हो। आओ मेरे दोस्तों से मिलो। कैसे हो? तुम्हें आना है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। तुमने हमारे दोस्त को भी बचाया। ऐसे नाक के साथ तो तुम खुशबू सूंघने में बहुत माहिर होंगे। तुम काम आ सकते हो। जगह पसंद नहीं है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा कहाँ? नहीं, कोई नहीं। मुझे लगता है वो सब रेत के नीचे दब गए हैं। हमने अपने दोस्तों को खो दिया है हमेशा के लिए। बहुत बुरा हुआ। यकीन नहीं हो रहा फ्लैश। सिम्बा, रेगिस्तान से जल्द निकलना चाहिए। चलो चलो, सब फ्लैश के पीछे चलते हैं। बस पहुंच ही गए। सुंदर जगह है। हाँ।
पर बहादुरी दिखाई और हम एक साथ एकजुट रहे। हम सब ने कर दिखाया। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत खूब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम सबने उस वादी को बहुत कम समय में पार कर लिया। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये कर पाओगे, पर मानना पड़ेगा। सिम्बा, नील नदी के पार से खबर मिली है कि शेर खान ने यहाँ का रास्ता ढूंढ लिया है और वो इसी तरफ आ रहा है। उसने कसम खाई कि जब तक तुम अपना राज उसके हवाले नहीं करते, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बार मैं उससे डर कर नहीं जाऊंगा। मुझे क्या करना होगा? मेरी राय है कि तुम नील नदी के ऊपरी इलाके की ओर बढ़ो और सहयोगी ढूंढो। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना। याद रखना, इस पर तुम्हारा भविष्य निर्भर है। मैं जानता हूँ तुम इस काबिल हो सिम्बा। शुक्रिया, पर मैं जरूर तुम्हारी सलाह को याद रखूंगा। तुमने हमेशा ही मुझे सही रास्ता दिखाया है। देखो कौन आ रहा है। ये तो हमारा दोस्त सिम्बा है। तुम आ गए। माफ कीजिए सरकार। हुजूर, आने में इतनी देर क्यों की? इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी? बताओ जल्दी क्या कहना चाहते हो? हुजूर, मैं कोशिश कर रहा था कि कोई मेरी बात माने, पर कोई सुनना ही नहीं चाहता था। मैं मतलब क्या है तुम्हारा? ऊपर वो देखिए, उनमें से कोई आपके साथ नहीं है। पहले यहाँ आओ और मुझे हकीकत बताओ। जब मगर बच्चों से आपकी तरफ से लड़ने को कहा तो हंसने लगे। हुजूर, मुझे यकीन नहीं होता। तुमने जाकर उनसे बात की? बताओ चमचे। बिल्कुल सरकार। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि लड़ाई में सिम्बा की तरफ है वो? नहीं सरकार, ये मामला उससे भी ज्यादा जटिल है। आप जल्दी जान जाओगे। इससे ज्यादा जटिल है? मुझे जीतने के लिए उन मगरमच्छों की जरूरत नहीं है। अब अपनी ये बकवास बंद करो, बताओ क्या हो रहा है वहाँ। मगरमच्छ लड़ाई नहीं, शांति चाहते हो। जब अपना घर अपना राज्य खतरे में हो तो कोई कैसे शांत रह सकता है? बताओ उल्लू कहीं के। मगरमच्छ के सरदार ने आदेश दिया है। कौन है वो? मैं नहीं जानता, वो बहुत बड़ा है, उसके बड़े बड़े दांत हैं। मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं मगर बच्चों से नहीं डरता। हंसे क्यों? हंसे क्यों? आप भी ना सरकार, मगर बच्चों से डर वो भी आपको। मजाक कर रहे हैं आप। अच्छा मजाक कर लेते हैं। बकवास बंद करो, मेरा दिमाग मत खाओ। दोबारा एक बार देख लेते हैं। इस जंग में हमारे सहयोगी सियार, गेंडे, सुअर, शुतुरमुर्ग, गिद्ध, इन सबको लड़ना पसंद है खूंखार तरीके से। कौन से पंछी हैं ये तो मैं नहीं जानता दोस्तों, पर जो भी हैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे साथ हों। उम्मीद करता हूँ। इतने सारे?
सारे जानवर मैंने पहले नहीं देखे, इनको गिन पाना मुश्किल है। हा? पर हम अपने दुश्मन को कम नहीं समझ सकते। क्या मतलब है? जरूरी नहीं कि जिसकी सेना बड़ी हो वही जीते। अभी तो इतने साथी हैं, तुम्हें तो हौसला मिलता होगा ना। तुम्हें क्या लगता है सिम्बा? मैं मानता हूँ कि मेरे दोस्त साहसी, बहादुर और वफादार हैं, और वही मेरी असली ताकत है। सिम्बा, हम सब तुम्हारी तरफ हैं। हम तुम्हारे पूर्वजों के राज्य की रक्षा के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आप सब मेरी तरफ हैं ये जानकर मेरा हौसला बढ़ गया। और हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि इस जंग में हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, जैसे तुम्हारे पिताजी के लिए लड़े थे। ये जानकर मुझे खुशी हुई। जीते रहो सिम्बा, हमारे राजा। जीते रहो सिम्बा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मुझे यकीन है कि जीत हमारी ही होगी, हम नहीं हारेंगे। तेंदुओं की पूरी सेना हमारी तरफ ही दौड़कर आ रही है तेजी से। सिम्बा, सिम्बा। क्या बात है? चीतों की पूरी सेना हमारी ओर बढ़ रही है। चलो देखते हैं। ओह, पता नहीं ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। मुझे यकीन है कि वो हमारी तरफ से ही होंगे। हमारी सेना की तरफ से सलाम सिम्बा, हम तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हम सिम्बा का साथ जरूर देंगे। हम साथ रहे तो जरूर जीतेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके राज्य में सुख और शांति बनी रहे। हमारे राजा अमर रहे, हमारे राजा अमर रहे, अमर रहे। उस तरफ देखो कौन आ रहा है, ये तो कमाल ही हो गया। ये तो जाहिर सी बात है सिम्बा कि हर कोई चाहता है कि तुम ही जीतो। हाँ, ठीक कहा। देखो तो कितने सारे हैं ये सब, पर शुक्र है कि हमारी तरफ है। इतनी बड़ी सेना कभी नहीं देखी। अपनी ताकत बचा कर रखो, अभी बहुत काम करने हैं। ओ हाँ जरूर काम, बस तुम हुक्म करो, फिर देखना मैं उन्हें जरूर हराऊंगा। आज रात होने से पहले तक हमें किलिमंजारो पहुँचना ही होगा। हम समझ गए। कैसे पहुँचेंगे हम किलिमंजारो तक? मैं बस इतना जानता हूँ कि हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, कई मील दूर। ये तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। अभी हमें नील नदी के साथ काफी दूर तक चलना होगा। उसके बाद हमें एक बर्फीला शिखर वाला पर्वत नजर आएगा, वही है किलिमंजारो। आ जाओ मोटू। शुक्रिया। चलो दरवाजा ढूंढते हैं। थोड़ी देर रुको, सांस तो लेने दो यार। आओ देखते हैं। कितना प्यारा नजारा है। रुको। भुट्टा है यहाँ। तुम्हें यहाँ ऊपर होना चाहिए मेरे पास, और तुम्हें खाने की पड़ी है। मैं जानता था भुट्टा है, मेरी नाक कभी धोखा नहीं खा सकती। ये हिल क्यों रहा है? हम कहाँ हैं? पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ। ऐसे वक्त पर भी तुम ये कर रहे हो? मैंने एक और बहादुर सज्जनो। तुम
तुमने कुछ कहा क्या बदलू? मुझे लगा कि तुमने कुछ कहा। कौन बोला ये? चूहों की महान राजा की कब्र पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 3,000 सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम जानते हो ये कोई बुरा सपना है? सपना देख रहे हैं। 3,000 साल से मैं इस अंधेरे सुनसान जगह पर आपके लौटने का इंतजार कर रहा था कि कब वो भविष्यवाणी सच होगी। तुम मोटो और पतलो हो ना? हाँ तुम सही कह रहे हो, पर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? रेटमोसिस हो। रेटमोसिस? हाँ, महान राजा की कब्र का रक्षक। वही जगह जहाँ उसे दफनाया गया था? सही फरमाया हुजूर। पिछले 3,000 सालों से मैं इस जगह की और खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। बिल्कुल वही जहाँ आप खड़े हैं। मजाक कर रहे हो ना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि 3,000 साल पहले गीदड़ों ने यहाँ पे हमला किया और सारा खजाना चुरा ले गए। सब ले गए? सब ले गए। हमारे महान राजा ने इसके लिए भविष्यवाणी की थी, जो कि मिस्र के सभी रेगिस्तानी चूहों के बादशाह और महान शासक थे। हम यहाँ खजाने के लिए आए हैं, इतिहास के लिए नहीं। और वो भी 3,000 साल पुराना। जो आपकी मर्जी हुजूर, मुझे आदेश है कि मैं आपको उस खजाने तक पहुँचाऊँ जो सिर्फ आपके लिए अलग से रखा है। सच में? तो फिर तुमने किसी और को हमारा खजाना चुराने कैसे दिया? तुम्हारा मतलब हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा? खजाने की रक्षा नहीं कर सकते थे क्या? पर आपका खजाना अभी भी यहाँ है, हमेशा की तरह। अच्छी बात है, वैसे कोई हमारा मजाक इस तरह नहीं उड़ाता। लगता है इसी ने चुराया है, और अगर ऐसा है तो मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। हुजूर सुनिए, मैं समझाता हूँ। ठीक है, पर भरोसे वाली बात करना। ये तो सिर्फ कब्र का प्रवेश द्वार है। अंदर जाने पर लगभग 50 और कमरे हैं, जिनमें राजवंश के ममीज को रखा गया है। वो कमरा पहली मंजिल पर है। इस तरफ आइए। ये कब्र है चूहों के महान राजा की और उनकी खूबसूरत रानी की, जिनकी खूबसूरती की बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। सुंदर राजा रानी की ममीज को उनके सारे खजाने के साथ यहाँ रखा गया है। सच में? थोड़ा और सब्र हुजूर, बस हम पहुँच ही गए हैं। ये वो पवित्र जगह है मेरे महान राजा की, प्राचीन मिस्र के रेगिस्तानी चूहों के बादशाह जो थे, और उनकी रानी जो दुनिया की सबसे हसीन हस्ती थी, यहीं पर आराम किया करते थे। क्या तुमने पहले कभी इतनी खूबसूरती देखी है? कमाल है। पर ये बताओ खजाना कहाँ पर है? फिक्र मत करिए, हम पहुँच ही रहे हैं, आइए मेरे साथ। मुझे यकीन नहीं होता मोटू कि हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, इस बार मुझे लगता है निशाना सही लगा है। चलते रहिए। ये मूर्ति है महान राजा की, थोड़ा पास आइए हुजूर। आप पहुँच गए। मुझे तो कहीं खजाना नहीं दिख रहा। और मुझे भी नहीं, अब तो मुझे लग रहा है जरूर कोई गड़बड़ है। परेशान मत होइए। ये तो एक गुप्त रास्ता है। खजाना नीचे है हुजूर, आपका इंतजार कर रहा है। चलिए। चलते रहो मोटू। इस तरफ आइए हुजूर। बंद हो गया दरवाजा। तो दरवाजे की चाबी तो है ना? बिल्कुल हुजूर, मैं पिछले 3,000 सालों से इस जगह की सुरक्षा कर रहा हूँ। देखो मोटू, इस पल का हमें कब से इंतजार था। थाले लाते। देखो। हैं? क्या क्या ये? अरे ये तो हम हैं। कितने बहादुर लग रहे हैं ना हम दोनों। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। देखा आपने, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये बात तय थी कि आप दोनों यहाँ लौट कर आएंगे। ये तस्वीर 3,000 साल पुरानी है। तुमने देखा, हमारा खजाना हमारे हाथों में है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे महान राजा भविष्य वक्ता थे। वो पहले ही जान चुके थे कि आपकी किस्मत में यहाँ ना लिखा है, किसी भी हालत में। और वो खजाना? उसे हमारे हवाले कर दो। वो मेरा नहीं है हुजूर कि आपको दे सकूं। हमें इस बात का यकीन हो जाए कि आप असल में मोटू और पतलू हो, कोई ढोंगी नहीं, फिर ये खजाना आपका होगा।
क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं कि हम कौन हैं? ये मैं तय नहीं कर सकता। तो फिर ये कौन बताएगा? मेरे महान राजा ने खास योजना बना के रखी थी ये बात जांच करने के लिए कि आप मोटू पतलू हो या नहीं। ये यंत्र जो आप देख रहे हैं ये खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है, जांच करने के लिए। मजेदार लगता है। इसे छूना नहीं। क्यों नहीं? तुमने तो कहा कि ये हमारे लिए बनाया गया था। ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक यंत्र है जो तय करेगा कि आप इस खजाने के हकदार हैं या नहीं। जब आप इस पर खड़े हो जाएंगे तो ये यंत्र आपका बिल्कुल सही वजन बताएगा, और अगर आपका वजन राजा के बताए वजन के बराबर निकला तो खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। भुट्टा खाने की वजह से मेरा वजन ज्यादा आएगा। और अगर इस परीक्षा में आप असफल रहे और आपके वजन में फर्क आया तो फिर क्या होगा? तो आपको सजा दी जाएगी पावन भूमि की पवित्रता को भंग करने के जुर्म में। क्या सजा? राजा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। इस बार हुए तो फिर तुम दोनों को सजा भुगतने ही पड़ेगी। खैर छोड़ो, अगर तुम दोनों मोटू और पतलू हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? चलो फिर से वो तस्वीर देखते हैं। जिसने भी ये बनाई है उसने मुझे कितना दुबला दिखाया है, वो गलत थे, अब सजा होकर ही रहेगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे मालिक पर शक करने की? जो कोई उनका मान करेगा उनकी तो खैर नहीं। देखा मोटू, तुम्हारे पेट की वजह से हम हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। बहुत हो गया है, समय आ गया है यंत्र पे खड़े होने का। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें खजाना। हाँ तुम हमें बस बाहर तक छोड़ दो। मैं आदेश देता हूँ, यंत्र पे खड़े हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। अब मुझे लग रहा है कि तुम दोनों ढोंगे ही हो। ये सब तुम्हारी गलती है मोटू। देखो उधर मरने वाले हम। नहीं नहीं, पतलू देखो दरवाजा खुल रहा है। खजाना हमारा हुआ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। 3000 साल बाद मैं आज आजाद हो गया हूँ, पर अभी भी एक काम बाकी है, और वो है आप दोनों को राजा के पास लेके जाना। पर हमें उनसे क्यों मिलना होगा? बताओ। ये राजा रानी की इच्छा है कि वो चाहते हैं खुद आपसे मिलकर एक और खजाना दें। इस तरफ आइए। इधर। समय की सुरंग से। समय? सुरंग? पर ये खजाना वापस लेने के लिए हम यहाँ दोबारा आएंगे ना? ये खजाना सिर्फ आपका है हुजूर, बस जल्दी करिए वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। आ जाओ मोटू, रूम तैयार है। क्या हो रहा है? देखो कितनी सुंदर जगह है। वाह हम कहाँ है? कितनी सुंदर जगह है। शायद ये स्वर्ग है। तुमने वो सारा खाना देखा? नहीं देखो। हुजूर मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि इस महल में आपको कोई देख या सुन नहीं सकता, इन सब के लिए जैसे आप यहाँ है ही नहीं। पर ऐसा क्यों है? बताता हूँ, जब आप समय में यात्रा करते हैं तब ऐसा ही होता है। जिनके पास खास शक्तियाँ होती है सिर्फ वही आपको देख सकते हैं, और ये शक्तियाँ सिर्फ महाराजा और रानी के पास है। चलिए हुजूर। सब कुछ कितना शांत है। मुझे फिर भी डर लग रहा है पतलू। हम पहुंच गए। हुँ।
मुझे यकीन नहीं होता कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं। मिश्र के राजा, कितना मजा आएगा जब हम अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे। शांत रहिए, तमीज से पेश आइए हुजूर। ओ मेरे महान राजा, आपका यह सेवक आपको प्रणाम करता है। ये समुद्री लुटेरे हैं जो भविष्य से यहाँ पर आए हैं। मोटू हाथ जोड़ो। शुक्रिया रेटमोसस। कितनी सुंदर है। आपकी सेवा करके बहुत ही खुशी हुई हुजूर। आशा करता हूँ कि आपके आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर रहे। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। हम चाहते हैं कि आपके खजाने का सबसे अनमोल भाग हम खुद आपको दें। इन पदकों पर हमारी खास शक्तियों के चिन्ह लगे हैं। ये पदक केवल वो ही धारण कर सकते हैं जिनके पास उन्हें पहचानने की क्षमता हो। इनमें जादुई शक्तियाँ हैं। आप दोनों इधर आइए ताकि हम आपको ये पदक प्रदान कर सकें। ये पदक पहनकर आप यशस्वी और समृद्ध बने। हमारे सबसे ज्ञानी सूत्रों के अनेक साल का अभ्यास और खोज ये बताते हैं कि केवल आप दोनों ही हैं जो हमारे इस पवित्र जादुई पदकों को प्राप्त करने के योग्य हैं। अच्छे के लिए, सुधार के लिए इसका उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी से करना। कहीं दिखे? नहीं, मैंने हर जगह देखा पर वो नहीं मिले। हो सकता है उन दोनों ने तय किया हो किसी और जहाज पर जाकर चोरी करें। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगे। जहाँ तक मैं पतलो और मोटो को जानता हूँ वो कहीं खजाने की खोज में होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग उनके लिए क्यों रुके हैं। छोड़ दो, चलते हैं आगे। क्या कह रहे हो सैम? तुम जानते हो कि हम अपने किसी भी दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उनको ढूंढने में मदद करो। हम सबको अलग अलग दिशा में ढूंढने जाना चाहिए। मुझे मोटो की टोपी मिली। अरे नहीं, पता नहीं। हो सकता है वो यहाँ आए हो। ये क्या कहना चाहता है? काश हमारी तरह ये बोल पाता, मैं तो इसे समझ ही नहीं पाता। अरे ये पत्थर हिल रहा है, शायद ये कोई रास्ता है। हमारे दोस्तों को पत्थर के नीचे कोई नहीं रख सकता। एक बात तो पक्की है कि वो दोनों यहाँ से गुजरे हैं। तुम्हें यकीन है तुम पत्थर भी सूंघ सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। मेरी नाक झूठ नहीं बोलती। चलो इसे खोलने की कोशिश करते हैं। सब बड़े पत्थर लेकर आओ। लगता है तुम अपनी तरकीब लगा रहे हो फ्लैश। वो खुल गया, क्या बात है। देखो ये दोनों तो बेहोश हो गए। उन्हें बाहर निकालना होगा। मैं जाता हूँ। रुको सिम्बा, अगर तुम बुरा ना मानो तो ये काम मैं कर सकता हूँ। राजा के गिरने का खतरा हम नहीं ले सकते। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही पर धड़कन मिल रही है। जल्दी दवा निकालो। ये लो। और नहीं, कोई काफी टूटी है? लग तो नहीं रहा। खजाना भूला पत्तू। ये सब क्या हो रहा है? रेटमोसस कहाँ हो तुम? लगता है दोनों सर के बल गिरे हैं। रेटमोसस दरवाजा खोलो, हमें खजाने के लिए आना है। उठो जल्दी तुम दोनों, वो एक सपना था जो खत्म हो चुका है। अभी भी ये दूसरी दुनिया में ही है। आखिरकार।
अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तुम लोगों को चोट लगी होगी ना, खजाना ढूंढने के चक्कर में गए थे ना। हाँ? नहीं तुम गलत हो, हमें कोई सर पे चोट नहीं लगी है। हाँ खजाना मिला, पर हम मिले दुनिया के सबसे खूबसूरत राजा रानी से। सच में हम मिश्र के राजा रानी से मिले। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, पर ये सच है, हमारी उनसे मुलाकात हुई। हे एलेक्स, कब तक ऐसी बातें करेंगे? चलो भी। क्या लगता है जो कुछ भी हुआ वो सच था या एक सपना था? मैं जानता था वो सपना नहीं था। रुको, मैं भी अपने जादुई पदक निकाल कर देखता हूँ। बात किसी को बताना मत, वो हमें पागल समझेंगे। इससे कौन सा जादू होता है और ये कैसे काम करता है? पता नहीं, अभी इस बात को किसी से कहना नहीं है, सही वक्त आने पर हमें पता लग ही जाएगा। सही सोचा तुमने। चलो अब यहाँ चलते हैं। किन ख्यालों में खोए हो? इतनी देर से देख रहा हूँ, तुमने कुछ भी नहीं कहा। सिम्बा, जब से हम मिश्र से निकले हैं, हम कई प्रकार के पुराने जानवर देख चुके हैं, पर एक भी बंदर नजर नहीं आया। अजीब बात है। कहा ने बिल्कुल सही कहा, एक भी बंदर नहीं। शायद उन्हें जंगल में इतनी दूर रहना पसंद नहीं। अफ्रीका के हर कोने बंदर पाए जाते हैं। ये बंदर बहुत बदमाश है, क्या पता कब कौन सी चाले चले। पता है शेर खान ने अब उन्हें अपनी तरफ कर लिया है, हमें सावधान रहना चाहिए। सुनो, मुझे लगता है थोड़ी देर हमें यहाँ रुकना चाहिए। सही कहा सिम्बा, सबको बहुत प्यास लगी होगी, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक रहे हैं दोस्तों। तुम किस बारे में सोच रहे हो मेरे दोस्त? सोच रहा हूँ शेर खान की अगली चाल क्या होगी। मुझे लगता है तुम्हें जासूस की जरूरत है सिम्बा। मैं भी यही सोच रहा था, मुझे लगता है मोटू और पतलू इस काम के लिए सही रहेंगे। नहीं, मुझे लगता है हमें किसी पंछी को भेजना चाहिए। सिम्बा, मैं अच्छी जासूस बन सकती हूँ। तुम्हें लगता है तुम ये ठीक से कर पाओगी? बिल्कुल, मैं उसकी हर कदम पे नजर रखूंगी। तुम्हें पता है इसमें खतरा हो सकता है। जाती हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ जा सकता हूँ सिम्बा। ठीक है काओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, जाओ। मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ, मैं दोनों की हिफाजत करूँगा। जरूर टॉय, लेकिन हम तो उड़ रहे होंगे, तुम हमारी हिफाजत कैसे करोगे? तुम्हारी बकबक इस वक्त काम नहीं आएगी। सिम्बा, तुम्हें इन्हें नहीं भेजना चाहिए, तुम्हें ऐसे की जरूरत है जो बहुत तेज और बहादुर हो। मैं जानता हूँ तुम बहादुर हो सैम, पर इन्हें जासूसी करनी है और इसके लिए हमें किसी ऐसे की जरूरत है जिस पर दुश्मन की नजर आसानी से ना पड़े। तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? मैं तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली जाओ। तो तुम चाहते हो कि मैं इनकी सुरक्षा के लिए जाऊँ? तुम मुझे भेज रहे हो या नहीं? नहीं सैम, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। पर किस लिए? मैं चाहता हूँ ईगल किंग को तुम बुला लाओ और उनसे कहना कि एक बहादुर दोस्त भी लेकर आए। जल्दी करो। ईगल और मुझे देखने के बाद वो किसी को हमारे पीछे भेजेंगे, तब तुम जाकर सुनना वो क्या कह रहे हैं। समझ गई। क्या हो रहा है यहाँ? लगता है कोई जासूस है।
हुजूर, यहाँ पर जासूस पहुँच चुके हैं। मैं जानता था सिम्बा यहाँ जरूर किसी को भेजेगा। पीछा करो उनका, यहाँ की कोई बात वहाँ तक ना पहुँचने पाए। हमारी हर चाल गुप्त रहनी चाहिए। जाओ, भागने ना पाए। मालिक काओ, संभाल कर, तुम्हारे पीछे गिद्ध हैं। नहीं, अरे नहीं। मैं सिम्बा को मदद के लिए बुलाती हूँ। हाँ जल्दी करो। देखा तुमने वो वहाँ ऊपर बुद्धू, हमारे जासूस और गिद्ध। देखो उधर क्या बात कर रहे हैं। हाँ वो देखो, मुझे तो बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। ओ, तुम्हें कैसे दिखाई दे रहे वो सब? वहाँ ऊपर वो गिद्ध, ईगल और काऊ के पीछे पड़े हुए हैं। तुम अंधे हो क्या? एलेक्स को बुलाता हूँ, तुम्हें मदद की जरूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। ये शायद इस पदक की वजह से होगा। हम दोनों के पदक अलग अलग जादू कर रहे हैं। सही कहा, मैं अपने पदक से दूर की चीजें देख सकता हूँ। सिम्बा को बताना चाहिए। सिम्बा, सिम्बा, हमारे जासूसों को गिद्धों ने देख लिया है। मैना यहाँ आ रही है। काऊ और ईगल पर हमला हुआ है। शेर खान ने अपनी सेना बना ली और वो सारे तैयार है। तुम सबको क्या हुआ? हमारे दोस्त खतरे में हैं। तुम क्या सोच रहे हो? अरे क्या हो गया है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बस भी करो तुम दोनों, मैं ये बात नहीं मानता। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? हाँ मैंने अपने जादुई पदक में देखा। सच कह रहा हूँ मैं। हमारी बात का यकीन करो सिम्बा, हम सच कह रहे हैं। और ये तुम्हें मिले प्राचीन मिस्र से? बिल्कुल सही। आज हमें भूख लगी थी, हमने पनीर के बारे में सोचा और पनीर हमारे सामने था और अंगूर का रस भी। और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे दोस्त खतरे में है। हाँ, लेकिन बस पतलू ही उसे देख पाया। लगता है एलेक्स को बुलाना पड़ेगा। पता नहीं तुम दोनों पर क्या जादू हो गया है। है हमारे पास जादू, यकीन करो। हमारा जादू तुम्हारी तरह। बकवास कर रहे हैं ये दोनों। मैंने इन दोनों को अजीब हरकतें करते देखा है। ओहो, तुम दोनों को गलत फहमी हो रही है। ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे खजाने के बारे में बोला था। तुम कुछ नहीं जानते सैम, हम दोनों सच बोल रहे हैं। ये तो लुटेरों की शान है ना। चलो सैम, तैरने चलते हैं। अरे नहीं रुको, ये हमारे बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? एक मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा सिम्बा को समझाने का। काओ और उन सब लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सरकार, वो इसी तरफ आ रहे हैं, वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। वो नहीं जानता कि हमारी फौज यहाँ रुकी है। हमें आक्रमण का आदेश दे दो सर। आदेश मैं दूंगा। हमेशा मारते रहते, मुझे लगता है हमें देर नहीं करनी चाहिए। चुप रहो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। अच्छा, जैसी बुद्धि सबकी होती है। मैं जानता हूँ। सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी हमला करने वाले। हंसने जैसी क्या बात है? ये तो खुशी की हंसी है सरकार। मुझे लगा तुम मुझ पर हंस रहे हो। नहीं सरकार, ऐसी सूरत में कैसे कर सकता हूँ मैं, बस खुश। खुशी ही तो है जो छिन जाएगी उस सिम्बा की हम जब हमला करेंगे। मार दिए। सावधान, ये क्या बेहुदा हरकत है? मैंने हंसने की इजाजत नहीं दी।
माफ कीजिएगा मालिक। अगली बार जो हंसेगा मैं उसे रुलाऊंगा। देखो दोस्तों मैं ना वापस आ रही हूँ। कितना सन्नाटा है यहाँ, किसी साजिश की बू आ रही है। सिम्बा तुम्हारे लिए जरूरी खबर है, शेर खान और उसकी फौज पहाड़ी के पीछे छुपी हुई है। शेर खान की सेना हमारे बहुत करीब है। सिम्बा हम सच कह रहे हैं, हमारे पदक में जादू है। ओह तो ये सच था, मोटू और पतलू झूठ नहीं बोल रहे थे, उनके पदक में वाकई जादू शक्ति है। वो देखो वो आ रहे हैं। तैयार हो जाओ, जल्दी ही हम सिम्बा पर और उनकी सेना पर हमला करेंगे, उसके बाद मैं राजा बनूंगा क्योंकि हम सबसे बहादुर और शक्तिशाली हैं। हुजूर सिम्बा की सेना रुक गई है, शायद उन्होंने हमें देख लिया। तो हम आक्रमण करेंगे, सब याद रखना, कोई भी बचने ना पाए। छोड़ रही सिम्बा, शेर खान की फौज इसी तरफ बढ़ रही है, हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सिम्बा हमें कुछ जल्दी करना होगा। ठीक है हम उसका सामना करेंगे, हाथी सबसे पहले जाएंगे। कुचल दो शेर खान को और फिर भालुओं की फौज दाईं ओर से हमला करेगी। नहीं सिम्बा, तुम उनके साथ जाकर नहीं लड़ सकते, इस वक्त फौज को तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ठीक है हम संभाल लेंगे। गंभीर लग रहा है, हमें मदद करनी होगी, चलो। फ्लैश को देखो, अकेला 100 के बराबर है। कमाल कर दिया, तुमने देखा उसे? मोटू चलो अपनी बहादुरी दिखाते हैं, चलो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? हमें भी जाकर लड़ना है। इसमें खतरा है दोस्तों, तुम कुचल दिए जाओगे और तुम्हारे पदक भी, समझे तुम दोनों? देखा मैंने कहा था ना वो हम पे यकीन करेगा। अच्छा नहीं हुआ। Ah, 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 ah,
इसने सब गड़बड़ कर दी, मेरी आधी फौज इसी ने ढेर कर दी। ये तो घाटी से आए हुए डायनासोर है हुजूर। ये कैसे हो सकता है, डायनासोर अब नहीं है, पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। हमला करो, उन पर सामना करो, या मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। ठीक है सिम्बा, इस बार तुम बच गए, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए था। सही कहा तुमने, पर जब तक मैं सबके लिए खाने का इंतजाम न कर पाऊँ तब तक कैसी खुशी और कैसा जश्न। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं यहाँ खाने की समस्या को लेकर बैठा हूँ और वहाँ शेर खान कोई नई योजना बना रहा होगा। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए, तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। बताओ अपने पदक के बारे में। बहुत ही बहादुर राजा थे, उन्होंने हमें खुद ये पदक दिए थे, इसे प्राचीन मिस्र के जादूगरों ने बनाया है खास तौर पर। बढ़िया, तो तुम कह रहे हो कि ये पदक किसी और जगह क्या हो रहा है, ये दिखा सकता है हमें? इससे इच्छा पूरी होती है और पत्तों वाले से दिखता है। जैसे शेर खान का कल का हमला, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? बहुत कमाल का है। मुझे अब तक की स्थिति की खबर मिलनी चाहिए, हर एक झुंड से। मैं जानना चाहता हूँ कितने दल हैं जो अभी भी लड़ सकते हैं, बताओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम्हारे पदक सच में जादुई हैं। आखिर हमारी बात पर सिम्बा को यकीन आ ही गया है ना? पता है बल्लू, मैं भी कब से अपने जंगल के बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है हम कब तक अपने घर वापस जाएंगे? अब सिम्बा पर निर्भर है। तुम्हें पता है मुझे जंगल में सबसे ज्यादा क्या याद आता है? नहीं, क्या? अपने आप को एक सख्त डाल पर लपेटना, धूप के मजे लेना, और पूरा दिन मजे से सोना। मैं सबसे ज्यादा जो याद करता हूँ वो है मधुमक्खी और उनका शहद। तुम्हें नहीं पता का मैं थोड़े से शहद के लिए क्या कर सकता हूँ। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, हर बार शहद चुराने पर मधुमक्खियाँ तुम्हें डंक मारती है, पर फिर भी तुम बाज नहीं आते। शहद होता ही इतना प्यारा है का, उसके लिए मैं डंक खा सकता हूँ, समझे? शायद यहाँ की मधुमक्खियाँ ऐसा ना करें।
सिंबा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें वहाँ क्या हो गया था? कुछ नहीं बक्शाट, मैं किसी पत्थर से टकराया होऊंगा बस, और मुझे कुछ नहीं। कोई पत्थर दिखाई नहीं दे रहा। वो कितना अजीब बर्ताव कर रहा है। आज बहुत गर्मी है, हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। क्या हम थोड़ी देर रुक जाएं? क्या सोचते हो तुम? हो? कम से कम जवाब तो दो सिंबा, हम रुक जाएं या नहीं? सिंबा, क्या बात है बक्शॉट? मैं ये कह रहा था कि हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं, मैंने इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया है। पर तुम बाकियों के बारे में ठीक कह रहे हो, उन्हें आराम करने की जरूरत है। सब लोग यहाँ रुक जाओ। मेरे पंजे। उसे देखो। हे सिंबा। हाँ? एलेक्स ने मुझे बताया हम 3 दिन और यहाँ पर हैं। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बक्शॉट, हमारे बहुत सारे दोस्त घायल हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। ऐसा है तो तुम उस शेरनी को ढूंढ सकते हो, और ये मत कहना कि तुमने उस बारे में सोचा ही नहीं है। हाँ? तुम्हें पता है? हाँ, सबको पता है। सच में? तो तुम क्या सोचते हो? वो प्यारी लगती है, हम सोच रहे हैं कि तुम क्यों रुके हो। तो फिर मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। मुझे नफरत है, मुझे नफरत है। हमें पूरी तरह हराया हुजूर। पर उसका नसीब कभी तो खराब होगा हुजूर। हाँ, पर मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ उसकी अकड़ पर है। मैं चाहता हूँ चला जाए, क्या तुमने सुना? लेकिन कैसे? ये तुम्हें बताना है तबाकी, बोलो। लेकिन आपको हमारी योजना कभी पसंद नहीं आती। मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठे मत रहो, हम उन पे हाथी छोड़ दें। अच्छा है, लेकिन वो तो सिम्बा की तरफ है। मुझे पता है, पर इससे शायद हम उन्हें अपनी तरफ ला पाए। तुम सच कह रही हो? कोई कहानी तो नहीं बना रही हो? तुम लोगों को मुझ पर शक करने के बजाय
हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। अब आगे बताओ क्या हुआ। हाँ हाँ बताती हूँ। सिम्बा ने बस फार्मा को बचाया उन मधुमक्खियों से। हाँ, फिर उनकी आंखें मिली और आंखों ने दिल से वादा किया। क्या बात है, सिम्बा ने कर दिखाया। क्यों ना हम जाकर उनसे मिले। सही कहा तुमने। हाँ, शेर खान और उसके साथी के लिए मंजारों के पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी में है सिम्बा। अगर वो ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसका आक्रमण और खतरनाक होगा। उसने वहां पहुंचने की बहुत सारी योजना बनाई होगी। अगर वो हमसे पहले वहां पहुंच गया तो उसे वहां से हटाना बहुत मुश्किल होगा, उसे रोकना ही होगा। हाँ, लेकिन उसे वहां जाने से कैसे रोकेंगे? ये मैं नहीं जानता, पर यहां खुले मैदान में रहना हमारे लिए ठीक नहीं। क्या हम उससे ऐसे ही झगड़ते रहेंगे? कभी शांति नहीं मिलेगी क्या? इसका एक ही उपाय है, मुझे शेर खान को हमेशा हमेशा के लिए हराना होगा। हाँ, पर तुमने शेर खान को बहुत बार हराया पर तुम उसे रोक नहीं पाए। सही कहा, पर पहले उसे कहीं अकेले में धर दबोचना होगा। सिम्बा, मेरे पास एक तरकीब है, शायद उससे काम बन जाएगा। सुनो, तुम्हें उसके सबसे वो क्या कह रहा है? क्या पता? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं। मैं ना बक्शॉट को तुम जाकर बता सकती हो कि उन सबको जगह खाली करनी है। जल्दी। हाँ सिम्बा, चलती हूँ। सब तैयार है, हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ आग लगी है? हट जाओ, कहाँ तुम बहुत भारी हो। जान बची। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है? नहीं, मैं अभी और खा सकता हूँ सच में। जल्दी चलो यहाँ से, सिम्बा को हमारी जरूरत है। यार चलो फ्लैश। फिर से गांठ लग गई। लगता है वो लोग आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें मालिक? वो दिख नहीं रहे पर उनकी गंध आ रही है। आपसे कोई मिलने आ रहा है क्या हुजूर?
तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपने किसी का नाम भी तो नहीं लिया। कौन हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ सकता है भूसा भरा दिमाग में? सिम्बा और उसके दोस्तों के अलावा यहाँ कौन आएगा? तुम इतनी बात नहीं समझते? पता नहीं हुजूर, मैं तो यहाँ किसी से नहीं मिला। कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुम्हें अपना साथी बनाया? अगर आपको याद हो किसी को ये नौकरी नहीं करनी थी और आपको एक खरगोश पकड़ने वाले की जरूरत थी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। ये मत मालिक, सिम्बा के दोस्तों के अलावा सभी पसंद करते हैं। बात हुआ, सिम्बा का नाम मेरे सामने मत लो। माफ कीजिए, माफ। जाओ जाकर अपना काम करो, हमारी टुकड़ियों को योजना के अनुसार पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार करो जल्दी। अभी अभी क्या हम पहुंच गए? हाँ, शायद। अब हम सबको बिल्कुल शांत रहना होगा। मेरे सारे साथी तैयार हैं सिम्बा। तुमने उन्हें सब ठीक से समझा दिया ना ईगल? हम सब हर हालत में शेर खान को वहां धर दबोचेंगे। सब समझ गए सिम्बा। ठीक है साथियों, पीछे आओ। सिम्बा ये देखो तुम्हारी शाही पोशाक। हाँ, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हम सब गायब हो जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो? शायद मेरा वहम हो सकता है आसपास कोई हो। गंध तो आ रही है, जरूर कोई है। ये आवाज कैसी थी हुजूर? मुझे मुझे डर लग रहा है हुजूर। हम तब तक उनका पीछा करेंगे जब तक शेर खान अपने साथियों से अलग ना हो जाए। बेहोशी से वापस आइए हुजूर, इतना मैं डरी। मुझे लगता है कोई हमला होने वाला है। कहाँ, क्यों, कैसे, किधर? हुजूर होश में नहीं, मैं निकल गया। शेर खान इसी तरफ आ रहा है बख्शा, तुम तैयार हो ना? हाँ, चलो चले। बहुत अच्छे बख्शा। आगे बढ़ो, भूलना नहीं हमें शेर को अकेला करना है।
वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जहाँ सिम्बा ने कहा। हा हा। चलो उसका पीछा करते हैं। सिम्बा, किसी भी तरह शेर खान को पेड़ों की तरफ ले आओ, यही सही मौका है। उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करना। आर्बर, हमारा ख्याल रखने के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक तो उसे गायब हो जाना चाहिए था। अच्छा चकमा दिया। यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। शर्म आनी चाहिए। पर राज्य में शांति चाहिए तो बदला लेना गलत बात है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अगर इस राज्य में तुम्हारे जैसे लोग हैं तो शांति मिलना असंभव है। मेरे पिता और माँ को तुमने मुझसे दूर किया, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें माफ करूँगा? तुमने तब दया नहीं दिखाई ना उनके बच्चों के लिए। तुम दया के लायक नहीं हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ सिम्बा। पर मैं अब भी अनाथ हूँ, हूँ के नहीं, और तुम्हें एक दिन सजा देने का मैंने निश्चय किया था और वो होगा। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे चाचा की तरह यहाँ से चला जाता हूँ। Yeah!
बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब से सिम्बा और उसके दोस्तों को सिंहासन के खोने की कोई चिंता नहीं रहेगी। आखिरकार सिम्बा के दोस्त उसका राज्याभिषेक होते हुए देखेंगे। सिम्बा राजाओं का राजा है, शांति का राजा।